वेलकम टू पेबल्स. आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और सिर्फ बात ही नहीं, मैं आज आपको सिखाने भी जा रही हूँ. किस चीज़ के बारे में? न्यूमरोलॉजी के बारे में, यानी कि अंक शास्त्र. अंक शास्त्र भी ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैंने एक वीडियो पहले ही इस पर किया था, जिसमें मैंने आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से अपने बारे में जानना सिखाया था, कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 है तो कौन कौन से प्लैनेट्स आपके ऊपर रूल करते हैं, किस तरीके के आप इंसान हैं, और उसी के हिसाब से कैसे आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं, उसी को देखकर कैसे मम्मी पापा अपने बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं. तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजी है क्या, इसका कैसे हमें फ़ायदा मिलता है, और कैसे वर्क करती हैं ये चीज़ें. नंबर्स जो हैं, यूनिवर्स हमारे थ्रू हमसे नंबर्स में कैसे बात करता है, कौन सा नंबर किस नंबर से क्या रिलेशन रखता है, और वो रिलेशन किस चीज़ पे बेस्ड होता है, इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर हम आज बात करेंगे. तो आगे आने वाले वीडियोस में हम न्यूमरोलॉजी की जो भी बातें सीखेंगे उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हम नाम के बारे में जाने, या अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कुछ जाने, या अपने घर के नंबर के बारे में कुछ जाने. हमारा आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है. तो जो फैक्ट नंबर वन है वो ये है कि हर नंबर एक अपने दूसरे नंबर से एक वाइब्रेशन रखता है. वो वाइब्रेशन पॉजिटिव हो सकती है, वो वाइब्रेशन नेगेटिव हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको देखना होगा हमेशा कि वन और वन का रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा है, या वन और नाइन का एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है. तो वन से लेकर नाइन तक के जो नंबर हैं उनका एक दूसरे से रिलेशन कैसा है, ये पता होना ज़रूरी है. क्योंकि इन दूसरे ये जो रिलेशन है ये नंबर्स का एक दूसरे से, ये इनका प्लैनेट्स के साथ भी रिलेशंस बताता है. क्योंकि हर एक नंबर, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको वापस से भी बताऊंगी कि हर एक जो नंबर होता है वो कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है. तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन सा नंबर कौन से नंबर का फ्रेंड है, और कौन से नंबर का एनिमी है. तो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्लियर बनाया है 1 to 9 नंबर का, ये देखने के लिए कौन सा नंबर कौन से नंबर का फ्रेंड है. तो 1 जो है वो 1 का फ्रेंड है, 2 है वो भी 1 का फ्रेंड है, 3 है वो भी 1 का फ्रेंड है, 4 है वो भी 1 का फ्रेंड है, 5 है वो भी 1 का फ्रेंड है, 7 है वो भी 1 का फ्रेंड है, और 9 भी 1 का फ्रेंड है. यानी कि हमारे पास इस 1 के जो एनिमी नंबर्स बचे वो हैं 6 और 8. 6 and 8 आर एनिमी नंबर्स ऑफ नंबर 1. नाउ व्हाट डज 1 स्टैंड फॉर? 1 जो है वो है सन का नंबर, ठीक है. अब आते हैं नंबर 2 पर. नंबर 2 जो है वो है 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 का फ्रेंड. यानी कि 2 के एनिमी नंबर्स हुए 6 और 5. नाउ व्हाट डज 2 स्टैंड फॉर? 2 स्टैंड्स फॉर मून, ठीक है. मैं आपको यहां इस साइड जो बता रही हूं वो है प्लैनेट्स जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. बीच में ये जो लिखा है वो है इन नंबर्स के फ्रेंड्स, और इस साइड पे जो है राइट साइड पे वो है इन नंबर्स के एनिमीज. तो अब आते हैं नंबर 3 पर. नंबर 3 के फ्रेंड्स है 1, 2, 3, 5, 6, 8 और 9. यानी कि 3 नंबर का एनिमी हुआ 4 और 7. एंड व्हाट डज नंबर 3 स्टैंड फॉर? 3 स्टैंड्स फॉर जुपिटर. तो नंबर 3 तक 1, 2, 3 के आपके प्लैनेट्स क्लियर हो गए, फ्रेंड्स क्लियर हो गए और एनिमीज क्लियर हो गए. अब आते हैं नंबर 4 पर. 4 के जो फ्रेंड्स हैं वो हैं 1, 2, 5, 7 और 9. यानी कि उसके एनिमीज हुए 3, 4, 6 और 8. 3, 4, 6 और 8
नंबर फोर के एनिमीज हैं, ये नंबर्स नंबर फोर के एनिमीज हैं. फोर जो है वो कौन से प्लैनेट का नंबर है? यूरेनस. यूरेनस को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर फोर से. अब आते हैं नंबर फाइव पे, जिसके फ्रेंड्स हैं 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि इसके एनिमीज हुए नंबर टू. सिर्फ नंबर टू जो है वो है नंबर फाइव का एनिमी. और नंबर फाइव स्टैंड्स फॉर प्लैनेट मर्क्यूरी, यानी कि बुध. नंबर सिक्स के जो फ्रेंड्स हैं वो है 3, 5, 8 और 9, मतलब नंबर सिक्स के एनिमीज हुए 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 7 और 6 भी. ये चार नंबर्स हुए नंबर सिक्स के एनिमीज. नंबर सिक्स स्टैंड्स फॉर प्लैनेट वीनस. अब आते हैं नंबर सेवन पे. नंबर सेवन के जो फ्रेंड्स हैं वो है 1, 2, 4 और 5, यानी कि एनिमीज हुए 3, 6, 7, 8 और 9. नंबर सेवन के एनिमीज 3, 6, 7 और 8, 9. सेवन जो प्लैनेट है वो है रूल जो इसको करता है प्लैनेट नेपच्यून. अब है नंबर एट, जिसके फ्रेंड्स है 2, 3, 5 एंड 6, मतलब कि एट नंबर के एनिमीज हुए 1, 4, 7, 8 और 9. एट के एनिमीज हुए 1, 4, 7, 8, 9, फ्रेंड्स हुए 2, 3, 5, 6. अब जो एट नंबर है वो नंबर है सैटर्न का, यानी ये शनि. नाइन नंबर पर आते हैं और देखते हैं कि नाइन नंबर के फ्रेंड्स कौन से हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हैं नाइन नंबर के फ्रेंड्स. अब एनिमीज कौन से हैं इन प्लैनेट्स, सॉरी इन नंबर्स के एनिमीज हैं 7, 8 एंड 9. और जो नाइन यानी कि लास्ट नंबर, वो है रूल्ड बाय प्लैनेट मार्स, मंगल. ठीक है, तो अब हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई है हर प्लैनेट का कौन सा नंबर है, उस प्लैनेट के नंबर के फ्रेंड्स कौन से नंबर्स हैं और उनके एनिमी नंबर्स कौन से हैं. बहुत सीधी सी बात है, जिस भी नंबर का जो भी फ्रेंड है, यानी उन दोनों की अच्छी वाइब्रेशंस हैं, दोनों की वाइब्रेशंस एक दूसरे से मैच करती हैं, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. अगर एनिमी नंबर्स हैं तो फॉर एग्जाम्पल 1, तो 1 की जो अच्छी क्वालिटीज़ होंगी वो 6 की अच्छी क्वालिटीज़ को नलीफाई कर देंगे. ना तो आपको 6 का बेनिफिट मिलेगा, ना आपको 1 का बेनिफिट मिलेगा. लेकिन अगर वही 1 और 1 या 1 या 2 एक दूसरे के साथ कहीं पर भी मिल रहे हैं तो वो आपको हमेशा अच्छा बेनिफिट देंगे, क्योंकि उनके एक दूसरे के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप है. इसको हम प्लैनेट्स के टर्म्स में कैसे देखेंगे, इसको देखेंगे 1 जो है वो है सन का नंबर, तो और 2 जो है वो है मून का नंबर. तो इसका मतलब ये हुआ कि सन और मून का जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो है हारमोनियस रिलेशनशिप, इसलिए ये दोनों फ्रेंड्स हैं. लेकिन सन और 6 जो है वीनस, सन और वीनस का हारमोनियस रिलेशनशिप नहीं है. 1 और 6, सन एंड वीनस एक दूसरे के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप नहीं बनाते, इसलिए ये दोनों एनिमी नंबर्स हैं. मैंने आपको एक वीडियो में इन सभी प्लैनेट्स की क्वालिटीज़ भी बताई थी कि कौन से प्लैनेट से आपको कैसा कैरेक्टरिस्टिक मिलता है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिए. अभी मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगी इसके बारे में, कौन से प्लैनेट का या कौन से नंबर का कौन सा डे बनता है. तो मैंने यहाँ पर आपके लिए
हर प्लैनेट का डे भी लिखा है, जैसे कि सन जो है उसका डे है संडे, मून जो है मंडे, जुपिटर का जो डे है वो है थर्सडे, यूरेनस संडे, मर्क्यूरी वेंसडे, वीनस फ्राइडे, नेपच्यून मंडे, सैटर्न संडे और मार्स इज फॉर ट्यूसडे। तो इन प्लैनेट से या इन नंबर से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको इन्हीं डेज का सिलेक्शन करना चाहिए। तो इस वीडियो में इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लैनेट्स एंड नंबर्स हमने देखा, हमने ये जानने की कोशिश की कि जो नंबर्स होते हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट के लिए स्टैंड होता है, और इसी इन्फॉर्मेशन को हम अपने आगे आने वाली वीडियो को यूज़ करेंगे न्यूमरोलॉजी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को जानने के लिए। तो नंबर्स के बारे में मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको एक और ख़ास टिप देना चाह रही हूँ। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को निकालेंगे तो उसमें आपको एक ट्रेंड नज़र आएगा, वो ट्रेंड को कैसे देखना है ये बताती हूँ। अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए यहाँ पे और अपने डेट का अलग से आप टोटल करिए, अपने मंथ का नंबर अलग से लिखिए और अपने ईयर का नंबर अलग से लिखिए। जैसे कि 3+1=4, जून जो है वो है 6th मंथ, तो 6 और 1998 का जो टोटल है वो है 27, दैट इज़ 2+7=9। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आ गए 4, 6 और 9। 4 अगर आपको याद हो तो जो 4 नंबर है वो गवर्न्ड है प्लैनेट यूरेनस से, 6 जो नंबर है वो है गवर्न्ड वीनस से, और 9 नंबर जो गवर्न्ड है वो है मार्स से। तो इन 3 नंबर से आपको अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो बताती हूँ। तो अपनी लाइफ को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, जो कि है सबसे पहले आपके फर्स्ट 25 ईयर्स, ठीक है, सेकंड जो 25 ईयर्स के बाद वाले 25 ईयर्स हैं वो सेकंड फेज ऑफ लाइफ, एंड थर्ड आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। इन अपनी लाइफ को 3 पार्ट्स में जब आप डिवाइड करेंगे तब आप देखेंगे जो फर्स्ट 25 ईयर्स हैं वो होते हैं गवर्न्ड आपके मंथ से, यानी कि जून 6 वीनस। वीनस जो इस डेट ऑफ बर्थ का जो भी पर्सन है वो अपने लाइफ के फर्स्ट 25 ईयर्स वीनस से गवर्न रहेगा, उसको वीनस को खुश रखना है, उसको वीनस के उपाय करने हैं। तो आपके जो लाइफ के फर्स्ट 25 ईयर्स रहते हैं वो गवर्न होते हैं आपके मंथ से, आपके डेट ऑफ बर्थ में जो आपका मंथ वाला नंबर है उससे गवर्न होंगे और उस नंबर के प्लैनेट से गवर्न होंगे। तो 25 ईयर्स फर्स्ट जो इस पर्सन के हैं वो किससे गवर्न होंगे, वीनस से गवर्न होंगे, यानी शुक्र से। तो पहले 25 साल ऐसे व्यक्ति को हमेशा किसी ना किसी रूप में शुक्र के उपाय करते रहने चाहिए, अपना शुक्र हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए, ये इसको मदद करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 25 ईयर्स की। जो नेक्स्ट 25 ईयर्स होते हैं वो गवर्न होते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ से। तो इस पर्सन क्या यूरेनस जो है वो इसके नेक्स्ट 25 ईयर्स को गवर्न करेगा, मतलब कि 26 to 50 की एज में इनको अपने यूरेनस के उपाय ज़रूर करते रहने चाहिए। और जो आफ्टर 50 की एज है वो गवर्न्ड होती है अपने ईयर से। ये हो गया डेट, ये हो गया मंथ और ये हो गया ईयर। लास्ट 50 ईयर्स आपके इस पर्सन के मार्स से गवर्न्ड होंगे, तो इनको 50 के बाद अपने मार्स के उपायों को करना चाहिए, अपने मार्स को स्ट्रांग रखना चाहिए। अगर वो पहले से स्ट्रांग भी है, अगर वो प्लैनेट पहले से स्ट्रांग भी है, फिर भी उसके एक या दो उपाय ज़रूर करते रहें ताकि वो प्लैनेट हमेशा स्ट्रांग ही रहे और रिजल्ट देता रहे। क्योंकि इन 3 फेजेस में ये पर्टिकुलर प्लैनेट्स आपको आपके माइंडसेट को गवर्न कर रहे हैं।
प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।